नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस, आज मैं आपसे होने वाली तनातनी, चलने वाली रसाकसी की बातें करूंगा। होगा कोई और दौर जब फिल्मों के डायरेक्टर कट आया करते थे। डायरेक्टर्स कट का मतलब कि डायरेक्टर फाइनल करता था कि यह फिल्म अब इस रूप में दर्शकों के बीच जाएगी। लेकिन स्टार सिस्टम आने के बाद से लगभग यह हो गया कि जो फिल्म का मुख्य स्टार है, ज्यादातर अभिनेता, वह तय करता था कि फिल्म आखिरी रूप में कैसी होगी और किस रूप में दर्शकों के पास जाएगी। तो वहां से एक्टर्स कट की बात होने लगी। लेकिन उसके पहले की भी बात अगर मैं बताऊं आपको, तो उस जमाने में स्टूडियो होते थे। स्टूडियो में एक्टर भी हायर होते थे, डायरेक्टर भी हायर होते थे, बाकी सारे टेक्नीशियन भी हायर किए जाते थे, और वहां स्टूडियो कट आता था। स्टूडियो तय करता था कि यह फिल्म किस रूप में दर्शकों के बीच जाएगी। जमाना बदलता गया, महत्व और जरूरत के हिसाब से कट भी बदलते गए। इन दिनों खास करके पिछले 15-20 सालों में ऐसा हो गया है कि जो पॉपुलर स्टार हैं, वे अपनी फिल्मों की फाइनल एडिटिंग में साथ बैठते हैं, फाइनल कट में साथ बैठते हैं, और उसके बाद वे तय करते हैं कि फिल्म में कौन सा कट जाएगा, फिल्म में किस किस के सीन हटा दिए जाएंगे, फिल्म को किस प्रकार से एडिट किया जाएगा। और इन सारी बातों में मुख्य कलाकार का सिर्फ यही जोर होता है कि वह किस रूप में पर्दे पर सामने आ रहा है, क्या वह सभी के ऊपर है या नहीं है, वह सब पर हावी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सबॉर्डिनेट एक्टर, कोई सहयोगी अभिनेता उससे बाजी मार ले रहा है, या कोई अभिनेत्री साथ के दृश्य में उस पर हावी हो जा रही है। ये सारी छोटी मोटी चीजें देखी जाती हैं। सलमान खान हो, आमिर खान ज्यादा इसके लिए विख्यात हैं, शाहरुख खान हो, सारे खान, अब तो ऋतिक रोशन, अब तो उससे भी आगे जाकर नए अभिनेता भी जो अभी उभर के सामने आए हैं, वे भी अपनी बात रखने चाहते हैं। क्योंकि आप देखें कि कोई भी अभिनेता हो, वो जिस स्तर का अभिनेता है, जितनी लोकप्रियता का अभिनेता है, उसको उसी का अनुरूप फिल्म मिलती है और वह उसमें महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसकी से बनती है। और वह अपनी से के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए प्रोड्यूसर पर दबाव डालता है, डायरेक्टर पर दबाव डालता है, और अगर स्टूडियो हुआ तो स्टूडियो पर भी दबाव डालता है, और इस तरीके से वह अपनी बात मनवा लेता है। आमिर खान के बारे में तो सबने किस्सा सुना ही है कि आमिर खान जिस फिल्म में होते हैं, उस फिल्म को वे खुद ही डायरेक्ट कर रहे होते हैं। यही बात ऋतिक रोशन के साथ भी कही जाती है कि ऋतिक रोशन अपनी एडिटिंग में बैठते हैं और फाइनल एडिटिंग के समय वे सारी चीजें निर्धारित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी फिल्म है, उनका बहुत सारा स्टेक दांव पे लगा रहता है, और हम सभी जानते हैं कि हिंदी फिल्में मुख्य रूप से अभिनेताओं के दम पर चलती हैं, अभिनेत्रियां तो यहाँ सिर्फ नाम मात्र के लिए होती हैं। अगर अभिनेत्रियां मुख्य भूमिकाओं में होती हैं तो निश्चित रूप से वहाँ वे भी हस्तक्षेप करती हैं, वहाँ वे भी दखल करती हैं, लेकिन ऐसी फिल्में बहुत कम आती हैं। हाँ, अगर कोई दबंग निर्देशक है, कोई मशहूर निर्देशक है, तो इन कलाकारों की नहीं चल पाती है, फिर वे भुनभुनाते हुए, थोड़े बहुत कुनमुन करते हुए अपनी बातें रखते हैं और कोशिश करते हैं कि डायरेक्टर उनकी बात मान ले। लेकिन अगर डायरेक्टर मशहूर है, प्रसिद्ध है और उसकी फिल्में चलती हैं, यानी कि वह हिट है, तो फिर वह किसी भी एक्टर की बात नहीं सुनता, वह अपनी बात रखता है। हाँ, इन सब से अलग प्रोड्यूसर भी होता है। प्रोड्यूसर भी अगर किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का नियंता है तो वह तय करता है कि डायरेक्टर किस तरीके की फिल्म लेकर आए, एक्टर फाइनल कट में क्या करे। कई बार एक्टर और प्रोड्यूसर मिल जाते हैं, डायरेक्टर वहां दब जाता है। हर मामले में मैंने देखा कि डायरेक्टर की शिकायत बनी रह जाती है। कई बार तो कई डायरेक्टर ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मेरी फिल्म तो अभी तक बची ही रह गई, ये जो फिल्म आप देख रहे हैं वह फिल्म मैंने नहीं बनाई है, या मेरी मूल स्क्रिप्ट पर नहीं बनी है। हाँ, मेरा नाम जरूर है, नाम नहीं देता तो मैं क्या करता, सारा काम तो मैंने किया था। अगर मनमुटाव के बाद मैं छोड़ देता तो एक्टर या प्रोड्यूसर किसी और को लाके वे फिल्म पूरी कर लेते और फिर मैं कहीं का नहीं रहता। और अगर वे जारी कर देते और यह कह देते कि भाई इस डायरेक्टर को काम नहीं आता है, तो मेरा बाजार ही बिगड़ जाता।
जब इस तरीके का दबाव हो तो हम समझ सकते हैं कि हिंदी फिल्में किस रूप में हमारे सामने आ रही हैं, क्या वे बिगड़कर हमारे सामने आ रही हैं या वे बनकर आ रही हैं, सुघड़ होकर आ रही हैं या पूरी तरह से बिगड़कर आ रही हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और फिल्मों का जो नतीजा हो रहा है, फिल्मों का जो हस्त हो रहा है, जो बॉक्स ऑफिस पर हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें अभिनेता जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए है कि उसने निर्देशक की बात नहीं मानी, उसने अपनी मनमानी की और उसने फिल्म को अपना कट दिया। हाँ, उनका डर पता नहीं क्या है, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी क्या है इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लोकप्रिय है वह सर्वज्ञानी है, जो चलता है, जो हिट है, उसको सब कुछ पता है। तो यह अशोक कुमार के समय तो शायद नहीं था, दिलीप कुमार से लेकर के अभी तक यही चला आ रहा है। और यह कलाकार और निर्देशक के परस्पर रिश्ते पर भी निर्भर करता है और कई बार उन स्थितियों पर निर्भर करता है जिन स्थितियों में वह फिल्म बनाई जा रही है। इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चलते हैं जिसकी चर्चा आप नहीं सुन पाते हैं। कई बार छोटी खबरें अफवाहों के रूप में, चर्चा के रूप में आप सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, दोनों के बीच ठन गई थी इसलिए फिल्म खराब हो गई। कई बार पता चलता है कि निर्देशक वॉकआउट कर गया, कई बार यह भी पता चलता है कि निर्देशक अपना नाम नहीं देना चाह रहा है। यह बहुत पहले से चला रहा है। मैं आपको पुराना एक किस्सा सुनाता हूँ। कमाल अमरोही ने एक फिल्म बनाई थी केदार शर्मा के साथ और उस फिल्म में मीना कुमारी थी। कमाल अमरोही को पसंद नहीं था जिस तरीके से वो फिल्म बनी थी। केदार शर्मा चाहते थे कि वैसे ही फिल्म आए। नतीजा यह हुआ कि केदार शर्मा ने फिल्म का काम छोड़ दिया और फिल्म अटक गई। बाद में के आसिफ ने दोनों के बीच मेल मुलाकात करवाई, उन्होंने सब कुछ तय किया और फाइनली केदार शर्मा के कट से ही वह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म के बारे में आप पता करें कौन सी फिल्म। तो ऐसे अनेक किस्से फिल्म इंडस्ट्री में चलते हैं जिसकी खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, आप नहीं जान पाते हैं, और ये कम रोचक नहीं होता है, कम इंटरेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, इससे फिल्म का नुकसान होता है। इससे दर्शकों को पूरा मनोरंजन नहीं मिल पाता, वे आधी अधूरी कटी छटी फिल्में देखते हैं। फिल्म जिस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी उस उद्देश्य तक वो फिल्म पहुंच नहीं पाती है। कई बार आपने देखा होगा समीक्षकों को या लिखते हुए कि फिल्म की प्रस्तावना तो बहुत अच्छी थी लेकिन फिल्म अंतिम निष्कर्ष में वहां तक नहीं पहुंच पाई। आप सिनेमा हॉल पर ऐसी चीजें भी देखते रहेंगे। हाँ, बताएं क्या इस तरह की बातें और भी लेकर मैं आऊं आपके पास। आप सिनेमा हॉल देखते रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें, बाय मी अ कॉफी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफी खरीदें, मेरे साथ बने रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।